कानपुर में पत्रकारों द्वारा बनाए गए गणेशंकर विद्यार्थी की जयंती। आपको बताते चले, पत्रकारों और अधिवक्ताओं के संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा प्रदेश कार्यालय काकादेव कानपुर में पत्रकार स्वर्गीय गणेशंकर विद्यार्थी की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय गणेशंकर विद्यार्थी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MD शर्मा एवं राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट उमाशंकर त्यागी द्वारा पत्रकार शिरोमणि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी कलम की धार से विदेशी हुकूमत को झुकाने वाले स्वर्गीय गणेशंकर विद्यार्थी जी के जीवन एवं योगदान के विस्तार के प्रकाश डाला गया। राष्ट्रीय महामंत्री उमाशंकर त्यागी ने बताया, गणेशंकर विद्यार्थी एक महान क्रांतिकारी, निडर और निष्पक्ष पत्रकार, समाज सेवी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिन्होंने अपनी लेखनी की ताकत में से भारत में अंग्रेजी शासन की नींद उड़ा दी थी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष MD शर्मा, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट उमाशंकर त्यागी, मंडल महामंत्री वीरेंद्र शर्मा, मंडल मंत्री पप्पू यादव, कानपुर जिला अध्यक्ष अमित कुमार, जिला उपाध्यक्ष KK द्विवेदी, जिला सूचना मंत्री अमर वर्मा, जिला मीडिया प्रभारी सदाब रईस, जिला कार्यकारिणी जुबेर खान, कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष शर्मा एवं तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। कानपुर से राजेश गुप्ता की खास रिपोर्ट। हमारे पत्रकार साथी जो एक नई पौध आ रही है या जो पुरानी पौध है, उन्होंने उनके जीवन से प्रेरणा दे करके पत्रकारिता उन्होंने आरंभ की और आगे पत्रकारिता कर रहे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी कलम की ताकत के द्वारा अंग्रेजी शासन की चूल्हों को हिलाने का कार्य किया। साथियों, उस समय पराधीन भारत में पत्रकारिता करना अत्यंत ही दुष्कर व मुश्किल कार्य होता था, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मुकर होकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का कार्य करता था तो उसकी आवाज को दबाने का कार्य कर दिया जाता था, यहां तक कि उसको मौत के घाट उतारने का भी कार्य किया जाता था। लेकिन स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी अत्यंत प्रखर वक्ता, पत्रकार व संपादक थे, जिन्होंने अपनी कलम की ताकत के द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ बराबर वो लिखते रहे और उनको पल पल अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। साथियों, स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने असहयोग आंदोलन सहित भारत की आजादी के लिए उन्होंने अनेक आंदोलनों में भाग लिया, लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यशाली रहा कि उन्होंने अत्यंत ही अल्पायु में 1931 में उनके प्राण पखेरु उड़ गए और वो हम सभी को बेसहारा छोड़ करके गोलोक धाम को प्रस्थान कर। साथियों, आज हम उन्हीं की याद में उन्हीं की जन्म को मना रहे हैं और आज हमारा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब, जो कि देश के 18 राज्यों में काम कर रहा है और हमारे सभी कार्यालयों में स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जन्मोत्सव को अत्यंत भव्य तरीके से मनाने का कार्य हो रहा है। धन्यवाद।